हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के किसान हो तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों को सिंचाई उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराने के लिए एक लॉटरी की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत किसानों को ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सेट के लिए आवेदन करना होगा। तो किसान भाइयों, यदि आप इस जानकारी को पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए जो सिंचाई उपकरण सब्सिडी पर प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए इस योजना को पूरा हम डिटेल से समझ लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सर्च करना होगा। यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं, यहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है ई कृषि यंत्र अनुदान। तो आपको क्या करना है, ई कृषि यंत्र अनुदान सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको थोड़ा ऊपर लेना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी, इस पर जाकर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे ही इसे क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा ई कृषि यंत्र अनुदान किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। तो किसान भाइयों, हम आवेदन किसके लिए कर रहे हैं, हम आवेदन कर रहे हैं सिंचाई उपकरण के लिए। अभी कृषि यंत्र के लिए आवेदन की योजना नहीं आई है, अभी सिर्फ और सिर्फ सिंचाई उपकरण की योजना है। तो हम थोड़ा नीचे लेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सिंचाई उपकरण किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग। तो यहाँ पर आवेदन करे पर जाकर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे ही इसे हम आवेदन करे पर जाकर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण सूचना दिखेगी। इसमें लिखा हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड येलो और कलर में लिखा हुआ आ रहा है, 13/12/2021 को ये नोटिस जारी हुआ था मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। इसमें कहा है वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कौन सी योजना के अंदर है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत सिंचाई उपकरण ड्रिप और स्प्रिंकलर के अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। यानी कि ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर के लिए लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत कृषक जो दिनांक 14 दिसंबर 2021 2:12 से 26 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी कि इसमें स्पष्ट कहा है जो भी किसान मध्य प्रदेश के हैं वो आवेदन करना चाहते हैं ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर के लिए, तो 14 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 के मध्य आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध जो लॉटरी जारी होगी वो होगी दिनांक 27 दिसंबर 2021 को संपादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची 12:00 बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी कि इसमें स्पष्ट कह दिया है कि 14 दिसंबर से लगाकर 26 दिसंबर तक किसान भाई आवेदन कर सकते हैं, और इसके लॉटरी अगले ही दिन यानी कि 27 दिसंबर को 12:00 बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको ये सूचना बताई है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और किसान भाइयों, इस वीडियो को उन सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। किसान भाइयों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आवेदन हो रहे हैं ये मोबाइल से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसको आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर या फिर जहां पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो आपको क्लिक करता है, आप घर पर है अगर ये सुविधा, तो आप घर पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।